हेलो गाइस, गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बाइक रिलेटेड वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट रहेगा, और इंजन ऑयल पे जो कुछ भी लिखा होता है उसका क्या मतलब रहता है, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंजन ऑयल बेस्ट है, लेटेस्ट ब्रांड है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बजाज से। तो बजाज की हर एक बाइक में 100 सीसी से लेके 400 सीसी तक की बाइक जो भी है उन सब में 20-50 ही डलता है, ठीक है। और 20-50 ही डालना बेस्ट है बजाज की बाइक में, क्योंकि वो थोड़ी हैवी होती है, तो उसके लिए 20-50 बहुत अच्छा रहता है। तो दूसरे नंबर पे आता है आपका हीरो। हीरो में आपका डलता है 10-30। फिर टीवीएस और होंडा, इनमें भी 10-30 ही डलता है। तो ये है कि अगर आप हीरो, टीवीएस, होंडा में 10-30 ही यूज करें। उसके बाद आपका आता है यामहा। तो यामहा में आप 1550 यूज कर सकते हो, वो बहुत ही बेस्ट रहेगा यामहा के इंजन के लिए। और रॉयल एनफील्ड में भी 1550 डलता है, तो वो बेस्ट रहता है यामहा और रॉयल एनफील्ड में 1550 डालना। और केटीएम की बात करूं तो केटीएम में भी 20-50 ही डलता है। तो जो ये मैंने बताया आपको, तो ये अगर आप ये इंजन ऑयल डालते हो अपनी बाइक में, टाइम से उसको चेंज करते हो, तो आपकी बाइक के इंजन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और उससे आगे मैं बताता हूँ अब इंजन ऑयल, बाकी इंजन ऑयल पर क्या क्या लिखा होता है वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो कुछ लोग पूछ रहे थे मुझे से कि आप कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करते हो, तो वो आपको बताता हूँ। मैं बेल्बोलाइन यूज़ करता हूँ। तो एक अच्छा ब्रांड है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 150 साल पुराना इंजन ऑयल है। जब इसका रिसर्च कर रहा था, जब ये पहला बेल्बोलाइन एक पहली कंपनी है जिसने इंजन ऑयल बनाकर बेचना शुरू करा था पूरे वर्ल्ड में, तो एक अमेरिकन ब्रांड है। तो चलिए आगे इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो ये बेल्बोलिन का 20W50 है, और ये इंजन ऑयल VS6 सेगमेंट के लिए बेस्ट रहता है और आपकी बाइक को पावरफुल बाइक बनाता है। तो चलिए, इस पे लिखा हुआ है 20W50 API SM। तो इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ। 20W50, कुछ लोग समझते हैं कि 20 का मतलब होता है कि ये -20 डिग्री तक ही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नंबर है, विस्कोसिटी का नंबर है, जो जिसमें इसका मेजरमेंट करते हैं, तो उसका एक नंबर है। तो W का मतलब मीटर रहता है, 50 फिर कितने गर्म होने तक ये काम करेगा, मतलब कितना हीटिंग पे, कितने डिग्री पे ये कितना पतला पड़ेगा, ये वो नंबर है। और इसका ये 20 का मतलब है कि आप की बाइक अगर बर्फ में खड़ी है तो ये कब तक काम करेगा, कब और उस कब किसके बाद ये जमने लगेगा, कितने डिग्री के बाद ये जमने लगेगा, तो ये उसका नंबर होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 20 की जगह 15 होगा तो ये इससे ज़्यादा ठंड में काम करेगा, अगर 20 की जगह 10 होगा तो वो उससे भी ज़्यादा ठंड में काम करने लगेगा, ठीक है। और 50 तो इसका मतलब ये है कि ये कितना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, मतलब जब आपकी बाइक स्टार्ट होगी तो ये कितना पतला पड़ेगा, ये वो नंबर है। तो उसके बाद API, API का मतलब है, एक फुल फॉर्म है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। तो ये अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है वो एक वेरीफाई करता है, इस इंजन ऑयल को वेरीफाई करता है, तो ये वो फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और ये SN, S का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, और N एक स्टेज होती है, जैसे कि मान लो ये स्टार्ट हुआ जब इंजन ऑयल बनना, तो ये ए से स्टार्ट हुआ, BC DE, तो ये अब आज तक आकर ये एन तक पहुंचा है। तो ये इसके आगे ये ओ आएगा, तो वैसे लिखा होता है इसका नंबर। तो एक और चीज़ बता दूँ, अगर एस की जगह सी होगा तो वो पेट्रोल व्हीकल के लिए नहीं होगा, वो डीजल व्हीकल के लिए होगा सी। और सी का मतलब होता है आपका कंप्रेस इग्निशन इंजन, तो वो हमेशा ही डीजल वाले इंजन के लिए जो इंजन ऑयल होता है उस पे CN करके लिखा होगा। कुछ भी N मतलब वो कहाँ तक पहुँचा होगा उसका मुझे नॉलेज नहीं है,
लेकिन ये है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, CNCMCLCO तो वैसे होगा। तो इस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक और चीज़, जैसे कि JASO इस पे ये फ्रंट पे लिखा हुआ है, और जो ये दूसरा डब्बा था इसके ये बैक पे लिखा हुआ है। तो ये भी एक API की तरह फुल फॉर्म है, जैपनीज ऑटोमोबाइल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी लुब्रिकेंट्स को वेरीफाई करते हैं। तो ये इन बेल्बोलिन जो है वो यहाँ इन दोनों जगह पे वेरीफाई होता है। तो इसके बाद ये बेल्बोलिन का 20W40 है, चैम 40 करके आता है, और ये माइलेज स्पेशल है। कंपनी कहती है अगर आप इस इंजन ऑयल को 125 सीसी से नीचे वाली बाइक्स में डालते हो तो वो जितना तेल, जितना पेट्रोल वो एक साल में खाएगी, उतना पेट्रोल इसके डालने के बाद वो 13 महीने में खाएगी। समझ रहे हो? मतलब एक महीना एक्स्ट्रा आपकी माइलेज बढ़ जाएगी पेट्रोल की। तो गाइस जो कुछ भी था तो वो मैंने सब आपको बता दिया है। और अगर आपको कुछ भी बाइक के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे देख के आपको रिप्लाई दे दूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा देखा करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज़। तो चलो मिलते हैं आगे वाले ब्लॉग में। तो अभी कुछ प्लानिंग हो रही है, हम वीकली राइड किया करेंगे, तो देखते हैं संडे को बन रहा है प्लान। तो मिलते हैं आपसे। ओके बाय।